हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं किंग जॉय का ट्राईपॉड। सो गाइस, ये ट्राईपॉड किंग जॉय का इस टाइम सबसे जो महंगे ट्राईपॉड पाकिस्तान में चल रहे हैं उनमें से एक है। और जो मैंने इसे परचेज़ किया है, मुझे इसकी प्राइस तकरीबन 10,000 रुपये पड़ी है। और हो सकता है कि आप जब इसे परचेज़ करें मार्केट में आपको सस्ता मिले, क्योंकि मेरा जहन कहता है कि ये 9,000 तक होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे 10,000 में परचेज़ किया है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये ट्राईपॉड वाकई ही 10,000 के लाइक है या नहीं है। ओके, तो गाइस इसको खोल के देखते हैं। तो ये आ गया बॉक्स और इसके अंदर ये हमें बैग मिलता है। और ये ट्राईपॉड जो है ये बैग के अंदर पैक है। बैग हमें इसमें फ्री मिलता है। जब भी हम कोई ट्राईपॉड या मोनोपॉड किंग जॉय का लेते हैं तो उसके साथ बैग हमें फ्री मिलता है। और दूसरी ब्रांड्स का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन इन में फ्री हम मुझे मिला है। और ये ट्राईपॉड है जी, काफ़ी हैवी है, वज़न इसका काफ़ी ज़्यादा है। और ये है इसका बैग जिसके ऊपर लोगो बना है किंग जॉय का। और इसको हम साइड पर रख लेते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी एक किंग जॉय का ये मोनोपॉड भी है। और जब मैंने ये परचेज़ किया था, मैंने एक्चुअली यूज़ में लिया था। और वैसे तो इसकी जो प्राइस इस टाइम चल रही है तकरीबन 9,000 पे या 9,000 चल रही है, और मैंने ये 5,000 रुपये का लिया था। और इसके साथ भी मुझे बैग मिला था। तो गाइज, इसके नीचे क्लिप लगा है जिसको हमें सबसे पहले खोलना पड़ता है। और इसको हम खोलते हैं, काफ़ी टाइट है। तो ये क्लिप खुल गया और अब हम इसे ओपन करते हैं इस तरह से। ये आ गया। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं ट्राईपॉड का, बहुत खूबसूरत है। ये जो इसका लीवर है ये एडजस्टेबल है। इसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो ये लूज़ हो जाता है, और यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। तो ये लीवर जो है यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। उसके अलावा एक इसका यहाँ पे क्लिप है, अगर हम इसे लूज़ करते हैं तो इसको हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से रोटेट करके आप अपना एंगल सेट करें और इसको यहाँ लॉक कर दें तो ये नहीं हिलेगा। उसके बाद ये जो सर्कल में रोटेट होता है ये क्लिप है, इसको ऐसे करके हम यहाँ पर भी लॉक कर सकते हैं। अगर हम इसको इधर लॉक करेंगे तो ये नहीं हिलेगा। नीचे से अगर हम देखें तो ये नीचे एक बॉल बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये लीवर नज़र आएगा। जब मैं इसे खोलूँगा इस लीवर को, तो ऊपर अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे इसका ये एक मीटर दिया गया है। और जहाँ पे ये बबल सेट होगा, बबल से हमें पता चल जाता है कि इसका एंगल कहाँ पर स्टेबल है। तो वहाँ पे रख के हम नीचे से लीवर को टाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब इसका जो लेवल होगा टॉप का, वो एक स्टेबल बन गया है। तो ये हर लिहाज से, हर जगह से एडजस्ट हो सकता है। और काफ़ी मज़े का ये ट्राईपॉड है। आई रियली लाइक दिस वन। और गाइज, इसके जो फुट्स हैं, अगर मैं फुट्स की बात करूँ तो ये फुट्स इसके भी फुट्स भी जो हैं वो एडजस्टेबल है। अगर आप इनडोर हैं और इनडोर में आप इसको स्लाइड करके नीचे कर सकते हैं और ये नीचे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इनडोर में काम करने के लिए आप इसे स्लाइड करके नीचे कर सकते हैं, और आउटडोर के लिए आप इसे स्लाइड करके ऊपर कर सकते हैं। तो आप बाहर रोड पे या कहीं भी आप इसको रख के वहाँ पे शूट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका ट्राईपॉड जो है वो स्टेबल रहेगा। इसमें एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो है इसके क्लिप। इसके क्लिप बहुत नाजुक हैं। जब मैं इन्हें खोलता हूँ तो समटाइम मुझे लगता है कि मैं इन्हें तोड़ दूँगा। तो ये तीन क्लिप्स इनके खुलते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से लॉक कर सकते हैं इसे, और ये इधर आ गया। सो ये और बड़ा भी हो सकता है। अभी टेबल पे है, अब हम इसे ज़मीन पे रख के खोलते हैं। और अब हम इस क्लिप को खोलते हैं नीचे वाले को, तो ये इस तरह से। और ये बाकी के क्लिप्स को भी खोलते हैं। तो ये फुल, अब हमने इसका साइज जो है फुल कर दिया है। और गाइस, जो इसकी हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है, काफ़ी बड़ा है। और इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इतने इस्तेमाल में नहीं आता। और मैं ऑलरेडी ये किंग जॉय का मोनोपॉड यूज़ कर रहा था, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार भी मैं किंग जॉय का ही
ट्राईपॉड लूँ, और ये काफ़ी बेस्ट है। और इसमें एक और बहुत मज़े की चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर से बड़ा अच्छा एडजस्टेबल होता है। अगर आप देखें तो ये इसका एक बटन है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं, सॉरी पहले हम इसको लूज करेंगे यहाँ से, इसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये अभी लॉक है, इसको हम निकाल नहीं सकते, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये बाहर निकल आता है। तो इसके ऊपर हम अपना जो है कैमरा फिट कर सकते हैं, और कैमरा फिट करने के बाद अब हम इसको दोबारा अंदर इसके डाल देते हैं। बिल्कुल बड़ी स्मूथ ड्रिलिंग है इसकी, और ये इसका लॉक है, आपने इसको एडजस्ट करना है एक जगह पे, तो ये घुमा के इसे लॉक कर देना है। ये हो गया लॉक, तो अब ये मूव नहीं होगा। तो यहाँ से आप कैमरे को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके बॉल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके लीवर को भी, मतलब टोटल जो है ये एडजस्टेबल है। और ये नीचे से आप देख सकते हैं इसकी शेप बनी है जो यहाँ पे फिट हो जाता है। तो काफ़ी प्यारा ट्राईपॉड है, किंग जॉय का ब्रांडेड, और हम इसे वापस लगा के फिट कर देते हैं। इसकी जो लेग्स हैं और इसका जो बॉल है ये टोटल मेटल का है, इसके जो ये क्लिप्स हैं ये प्लास्टिक के हैं, और मुझे लगता है ऐसा था कि ये टूट जाएंगे, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। और यहाँ से ये प्लास्टिक है इधर से, और ये नीचे जितने भी क्लिप्स हैं ये प्लास्टिक के हैं, और बाकी ये टोटल मेटल का है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मुझे 10,000 का मिला है, बट आप शायद पता करें तो आपको कम रेट में मिल जाए। और गाइज ये जो ट्राईपॉड है मुझे रियली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और काफ़ी अच्छी लुक है, बहुत खूबसूरत है, और काफ़ी हैवी है। और कैमरे के लिए अगर आप प्रोफेशनल शूट करना चाहते हैं तो ये ट्राईपॉड बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और आप लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बाकी ये जो दूसरे आइकन के और ये डिफरेंट ब्रांड्स के ट्राईपॉड हैं जो 3500 रुपये के मिलते हैं आप, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप गुजारे के लिए लेना चाहते हैं तो वो ले लें। लेकिन इसकी एक क्वालिटी है, ये प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, और आई रियली लाइक दिस वन। और मुझे भी उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में भी इन ब्रांड्स का ट्रेंड चलेगा, पाकिस्तान के अंदर इन ब्रांड्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। और गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।